हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ परिशो, जहां हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके मतलब की बात, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी वक्त जाया किए, बिना किसी घुमावदार बातों के, हम आपको सीधे सरल और आसान स्पष्ट शब्दों में आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपके मतलब की बात बताते हैं। और फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी, आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इस शो को इतना पसंद कर रहे हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट में आप इसको शेयर कर रहे हैं और आप बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। परी देश की जनता लिखकर भी आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे सारे ही वीडियो आपको देखने के लिए आसानी हो, जो भी वीडियो डलता है वो आपको फौरन मिल जाए। हम बिना वक्त जाया करें हम बात करेंगे आपके देश की, आपकी आमदनी की, आपके फायदे की और सिर्फ आपसे जुड़े फायदे की, जिसमें मैं एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके सामने पेश करती हूँ। और हमारी ये कोशिश है कि आपके तक हम कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दें जो सिर्फ आपके मतलब से जुड़ी हो, आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो और आपका टाइम और एनर्जी बचा रहे, जिससे कि आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और सारी चीज़ें एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम आपके सामने क्लियर करते हैं। और एक जो बोलते हैं, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो एक अंडरकवर चीज़ें हैं और एक पर्दे के पीछे छुपी हुई चीज़ें हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले कोरोना के आंकड़े की बात कर लेते हैं कि कोरोना के आंकड़े जो है हमारे देश में 37,70,000 के आसपास हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद में हम तीसरे स्थान पर हैं। और भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो पिछले 24 घंटों में पाए गए हैं वो 78,000 पाए गए हैं, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़े हैं। और 78,000 आंकड़ों के साथ साथ में 1,045 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बहुत ही दुख की बात है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 8,00,000 से भी ज़्यादा एक्टिव केसेस है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनकर ही जाइए, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। रास्तों पर मत थूकिए, मत छींकिए, आपके साथ साथ दूसरों के और आसपास में, मार्केट में, ऑफिस में जो भी आपके कर्मचारी होंगे, सहयोगी होंगे, उनकी सेफ्टी करना, उनकी सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। पी चिदम्बरम जी ने जो आज बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि पीएम केयर्स फंड में पिछले 5 दिनों में 3,076 करोड़ रुपए आ गए हैं, और पी चिदम्बरम जी जानना चाहते हैं कि पैसे देने वाला कौन इतना बड़ा दाता है। वो जानना चाहते हैं कि जब किसी भी संस्था या किसी भी इकाई को दान देने वालों में अगर अमाउंट बड़ी है तो दानदाता का नाम प्रकाशित किया जाना स्वाभाविक होता है और कानूनी हद में आता है। तो पीएम केयर फंड जो है वो क्यों इससे बचा हुआ है, इतने बड़े बड़े दानदाता हैं, तो पीएम केयर फंड इतने बड़े बड़े दानदाताओं के नाम क्यों नहीं बता रहा है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि करीब करीब 10% जो दान है, 3,076 करोड़ रुपए में 10% का जो दान है, वो 10% दान विदेशी कंपनियों से आया है, बाकी जो है देशी कंपनियों से आया है। 87% जो है देशी कंपनियों से दान आया हुआ है। तो पी चिदम्बरम साहब जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी इसका जो ऑडिट, जैसे बताया गया है, जो 36 लाख इंडियन रुपीस में ब्याज भी इस पर आया हुआ है, पीएम जो केयर फंड है उसको बनाने की आवश्यकता क्या है। और जब इतना सारा फंड आ गया है तो उससे राज्यों की या कोरोना संक्रमितों की या अस्पतालों की या कोरोना वॉरियर्स की या गरीबों की, मजदूरों की सहायता क्यों नहीं की जा रही है, ऐसा पी चिदम्बरम साहब ने डायरेक्ट निशाना पीएम केयर फंड की तरफ ताना है और सत्ता से और सरकार से सीधे प्रश्न पूछे हैं, जिसका जवाब उन्हें नहीं दिया गया है, जो भी बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जितेंद्र राम मांझी जो है, जो अभी तक एनडीए में, सॉरी आरजेडी के नेता थे, बड़े नेता थे, और उन्होंने जो है बहुत बड़े चेहरे हैं वो बिहार के, और दलित समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं जितेंद्र राम मांझी। जितेंद्र राम मांझी ने जो है काफ़ी बार बात करने की कोशिश की उनकी पार्टी में, और काफ़ी बार जो उन्होंने लालू यादव के बेटे जो है
तेजस्वी यादव, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों पे पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों पे पार्टी ने गौर नहीं किया, इसलिए शायद उनको एनडीए का रुख करना पड़ा। और अब जो जितेंद्र राम मांझी जो है वो एनडीए की तरफ जाना चाहेंगे, और जितेंद्र राम मांझी ने बताया है कि मैंने चिराग पासवान से भी बात करने की कोशिश की और काफी सारे आरजेडी के बड़े नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, तो अब जो है वो महागठबंधन का साथ छोड़ के शायद एनडीए में चले जाएंगे और एक और बड़ा नेता जो है वो आरजेडी को और एलजेपी को लॉस करना पड़ेगा। एलजेपी लोक जनसत्ता पार्टी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी से एक नेता जो है और आरजेडी से एक नेता निकल के फिर से एनडीए में चला जाएगा, तो जो बहुत ही दुख की बात है। तो ऐसे जितेंद्र राम मांझी का खुद से बयान सामने सुर्खियों में आया है आज, तो कल शायद एनडीए में वो अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे कि वो एनडीए में चले गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे डॉक्टर कफील है उनकी कल रिहाई हो गई है, मथुरा जेल में थे वो, तो डॉक्टर कफील की रिहाई के चलते सबसे इम्पॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि डॉक्टर कफील ने बताया है कि जो राजा है राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा वाल्मीकि के रामायण में लिखा है, लेकिन यूपी सरकार जो है वो रावण धर्म का पालन कर रही है। मतलब खासकर उन्होंने योगी सरकार को बताया है कि जो यूपी सरकार है वो रावण धर्म का पालन कर रही है, राजधर्म का पालन नहीं कर रही है, तो राम राज्य कहाँ से आएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उनको उनके जो CM है, जो उनके शासक है, उनके जो CM योगी जी है, वो बाल हट कर रहे हैं और उनको राजधर्म का पालन करते नहीं आता है। उन्होंने ये भी बताया कि अब वो यूपी के बजाय वो राजस्थान में कुछ दिन रहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार जो है उनको किसी भी तरह की परेशानी में डाल सकती है, जैसा कि हमेशा उनके साथ में होता आया 2017 से अब तक, जो 2.5 साल का कार्यकाल हो गया उनका, जो उनके साथ में यही सारी हरकतें हो रही है। हाईकोर्ट ने उनको रिहाई देने के बाद ये बताया कि उनके ऊपर NSA लगाना जो है उनके संवैधानिक और निजी अधिकारों का हनन था, तो उनके ऊपर जो है इस तरह से NSA नहीं लगाना चाहिए था। उनकी हालांकि रिहाई जो है 20 फरवरी 2020 में हो चुकी थी, 13 फरवरी 2019 को उनको गिरफ्तार किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया था, और ये बताया गया था कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। भड़काऊ भाषण के चक्कर में उनको जो है उकसाने या एक नफरती बयान फैलाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने सारी CD देखी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बताया कि उन्होंने किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, और उस तरह के भाषण जो है वो नफरती भाषण नहीं है, ना ही उन्होंने कहीं किसी समाज के वर्ग को उकसाने की कोशिश की, ना ही उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में बात की, ना ही उन्होंने किसी तरह की जो है देशद्रोही वाली कोई बात की उन भाषणों में, जबकि उन्होंने तो भाईचारे की बात की, उन्होंने मातृभूमि की बात की, उन्होंने देशभक्ति की बात की है, तो उस पे NSA लगाना जो है बहुत ही गलत बात है। और डॉक्टर कफील की जो रिहाई थी वो भी इतनी डीले नहीं होनी चाहिए थी, जो डीले कुड हैव अवॉइडेड बट इट कुड नॉट अवॉइडेड, तो उनका जो डीले था वो भी उनको भी अवॉइड नहीं किया गया, किसी ना किसी की वजह से उनकी पेशी को जानबूझ के निलंबित किया गया, लेट लतीफ़ किया गया, और अब जाके वो जब उनकी फरवरी में वो रिहा हो चुके थे हाईकोर्ट के ऑर्डर पे, फिर भी उनको रिहा नहीं किया गया, और उनकी उन पर जो उल्टा NSA लगा दिया गया, जो एक बहुत ही दुख की बात है। जो दो जस्टिस थे, जस्टिस माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल, उन्होंने बताया था कि जो डॉक्टर कफील है वो एक बहुत ही जो सिंसियर डॉक्टर है, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के साथ साथ में उन्होंने अपनी ड्यूटियों का जो वहाँ ने बहुत अच्छी तरीके से किया, उन्होंने अपनी ड्यूटियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पे NSA जो लगा दिया गया है वो गैर कानूनी है पूरी तरह से। उन्होंने किसी भी संस्था या किसी भी मंत्री या किसी भी सरकारी संवैधानिक निकाय को उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई है। उनके विचार जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, और वो जेल में उनका रवैया बहुत अच्छा है, तो इस तरह के डॉक्टर्स को कोरोना काल में अंदर रखना जो है ठीक नहीं था। कोरोना काल में उनको बाहर जाके कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करने देना चाहिए था, ऐसा कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट की युगल बेंच ने इस तरह के आदेश दिए, जो बहुत ही तारीफ के लायक काबिल है, जो तारीफ के लायक है। ऐसा लगता है कि हमारी ज्यूडिशियरी सिस्टम में कहीं ना कहीं पर
थोड़ी बहुत तो उम्मीद की किरण बची हुई है, ऐसा देखते प्रतीत होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर कफ़ीर वही इंसान है जो 2017 में जब उनके गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई थी, या जब ऑक्सीजन की पाइप में ऑक्सीजन आना बंद हो गई थी क्योंकि योगी सरकार ने पुराने ड्यूज नहीं दिए थे सप्लायर को, उस समय उन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए, जो बच्चे आईसीयू में एडमिट थे उनकी जान बचाने के लिए, ये वही डॉक्टर कफ़ील है जिन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का अरेंजमेंट अपने दोस्त के क्लिनिक से किया, अपनी खुद का पेट्रोल जलाया और टेम्पो में अपने खुद के पैसे दिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए। इस तरह से उन्होंने जब चंपी बुखार आया था 2018 में बिहार में, तब भी उन्होंने अपनी तरफ से अपने पैसे खर्चा करके जो उन्होंने बिहार में कैंप लगवाए थे, बिहार में उन्होंने इतना ज़्यादा जो है दवाइयाँ बांटी, इतनी ज़्यादा सेवा की। ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट, आप जानते हो किस तरह से गवर्नमेंट में माहौल चलता है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए इतना सब कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल था, और इस तरह से उन्होंने अपने जेब के पैसों से बच्चों की मदद की। वो एक चाइल्ड डॉक्टर है, उन्होंने हमेशा जो है अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि माना और बच्चों की सेवा और समाज की सेवा को ही सर्वोपरि माना, लेकिन उनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि मोटा भाई जो है वो हिंदू मुस्लिम सिखा रहे हैं, मोटा भाई जो है भेदभाव सिखा रहे हैं, मोटा भाई जो है वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ इतना कहने पे मुझे नहीं लगता कि अमित शाह कोई देश है, मोदी जी कोई देश है, ऐसा इस तरह से क्या इस तरह के सिंसियर डॉक्टर जैसे डिसेंट इंसान पे, जो इतना डिसेंट डॉक्टर है, जो इतना देशभक्त डॉक्टर है, जो इतना समाज सेवक, समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला, समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाला डॉक्टर है, इसको अगर आप एक साल तक बंद कर देंगे आप जेलों के अंदर, तो क्या होगा हमारे समाज का, कौन सेवा करेगा हमारे समाज की। इतना कम से कम एनएसए लगाने वालों को ध्यान रखना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी फटकार जो है यूपी में सिस्टम को लगी हुई है, बहुत बुरी तरह से फटकारा है उनको जुडिशरी सिस्टम ने, और जुडिशरी सिस्टम का मेरे ख्याल से सल्यूट करना चाहिए। ये मतलब डॉक्टर कफ़ील को इस तरह से गिरफ्तार किया गया था, मतलब मुंबई जाके एसटीएफ की टीम गई जैसे वो कोई आतंकवादी हो, एसटीएफ की टीम बकायदा मुंबई गई जब वो भाषण देने के बाद में 13 फरवरी 2019 में भाषण देने के बाद में जब वो मुंबई चले गए तो उनको मुंबई में जाके गिरफ्तार करा जैसे वो कोई आतंकवादी मुंबई में जाके कोई आतंक फैला रहे, इस तरह से उन्होंने गिरफ्तार किया। आप समझ सकते हैं यूपी के हालात कैसे हैं, आए दिन लड़कियों का रेप हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। कल भी मथुरा से कोई बस चली थी, बस में एक लड़की का जो है गैंग रेप हो गया और उसको बहुत तरीके से टॉर्चर किया गया। इस तरह से यूपी के हालात है, और ऐसे में आप जब एक बुद्धिमानी, एक संयमित, एक सदाचारी डॉक्टर को आप गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको एक साल अंदर रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है किस रद्दी और बुरे हालातों से गुजर रहा है, किस तरह से डॉक्टर कफ़ील जैसे लोग जो है, मैंने आपको एक वीडियो में पूरी बातें बताई है, पूरा मैंने आपको घटनावार तरीके से पूरा मैंने आपको एक के बाद एक घटनाएं बताई है, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए, वो वीडियो आपको कहीं ना कहीं पिछले वीडियोस में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह के डॉक्टर्स को आप गिरफ्तार करके जेल में बंद करेंगे तो आप सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, हमारे देश के डॉक्टर्स जो हैं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपसे किस तरह से बात की जाएगी, इतनी बदतमीजी से डॉक्टर्स बात करेंगे कि आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ के बहुत सारे पढ़े लिखे वर्ग के लोग जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स तो छोड़िए, क्लैरिकल हो या वहाँ पर जो काम करने वाला स्टाफ हो, नर्सेज हो, किसी भी अकाउंट्स हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, या ब्लड चेकअप करने वाले दुनिया भर की जो सोनोग्राफी एक्सरे वाली डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, एक दो बार मेरा वास्ता आया है जाने का, तो दे डोंट टॉक नाइसली, दे डोंट हैव एटिकेट्स, दे डोंट हैव द बेसिक मैनर्स टू टॉक। तो अगर इस तरह के माहौल रहेंगे तो कहने का मतलब यह है, हिंदी में बताऊंगी कि अगर वो बदतमीजी से बात करेंगे तो पेशेंट की उल्टी तबीयत खराब हो जाती है, उसके परिवार पे उस पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए अगर डॉक्टर कफ़ील ने इतना सब कुछ किया है तो मेरे ख्याल से उनका आदर करना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था योगी सरकार ने, ना कि उनके ऊपर एनएसए लगा देना चाहिए था जो कि बहुत बुरा हुआ। उसके पहले भी जब उन्होंने
2017 में ऑक्सीजन देकर बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की उन्होंने जब मदद की, जो आईसीयू में बच्चे थे जो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, तब भी उन पे जो है देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। और योगी जी ने खुद कहा था कि एक डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर होके इस तरह के काम कर रहे हो, तुम्हें अब तुम्हारी औकात याद करवाएंगे, इस तरह के कुछ बयानबाजी जो है योगी जी की तरफ से आए थे। अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उन्होंने सरकार से ये गुहार लगाई कि उनको उनकी नौकरी वापस मिल जाए, क्योंकि उनको उनकी नौकरी की आवश्यकता है और उनके परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है पिछले 2.5 सालों में बहुत बुरी हो गई है, और वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको उनकी नौकरी, योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको उनकी नौकरी वापस मिल जाए। देखते आगे क्या होता है, लेकिन इस तरह के हालात जो है हमारे देश के बहुत बुरे और दयनीय हालत एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी लोकतंत्र के लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर जो इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है एक कामगार तबके को और एक डॉक्टर को और एक सिंसियर समाज सुधारक को आप इस तरह से परेशान करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता को, एक सिंसियर सामाजिक कार्यकर्ता हम उसे कह सकते हैं, डॉक्टर कफील खान को, या उनका अल्पसंख्यक होने की वजह से भी उनको बार बार गिरफ्तार किया गया, ये भी हम कह सकते हैं। उन पर रसूखा लगा दी क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे, उन रसूखा लगाने का कोई काम नहीं बनता था, लेकिन फिर भी ऐसा उनके साथ में योगी सरकार ने किया। यूपी में अक्सर देखा जाएगा कि जेलों में बहुत सारे कैदी बंद रहते हैं, और बहुत सारे कैदी जो है वो कहीं धर्म के नाम पे, कहीं राजनीति के नाम पर, या कहीं आतंकवाद के नाम पर उनको, या भीड़ भड़काने के नाम पे, ऐसे बहुत सारे अनगिनत कैदी है यूपी में जो गिरफ्तार होते रहते हैं आए दिन। और यूपी की जेलों में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कैदी यूपी की जेलों में पाए जाते हैं, तो ये कोई नया मामला नहीं है, यूपी में अक्सर ऐसा होता रहा है। लेकिन जो वास्तव में गुनहगार होते हैं, जो वास्तव में इस तरह की हरकत करते हैं, पिछले कुछ दिनों में आप देखते हैं कि दो बच्चियों का जो है रेप हो जाता है, एक बच्ची को जो है मारने की कोशिश की जाती है जो किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करके शादी करने के लिए निकलती है, घर से बाहर भागने के लिए निकलती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि एक माँ बेटी जो है वो लोक भवन के सामने, लखनऊ में सीएम हाउस के सामने जो है अपने आप को जलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो गुंडों से परेशान है। उन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, तो पुलिस भी जो है वो तमाशा देखने में यकीन रखती है। वो विकास दुबे का केस आपने देखा जिसमें कैसे अंदरूनी खुफियापंथी चल रही है, विकास दुबे जिसके ऊपर 60 केस लगे हुए हैं वो जमानत पे बाहर घूम रहा है, और अच्छा उसके हथियार भी जब्त नहीं किए गए, हथियार भी उसके पास में बरकरार है। तो इस तरह का जो है एक अराजकता यूपी में फैली हुई है, और पूरी तरह से अराजकता, जो लल्लू लाल है जो कांग्रेस वाले, कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर है, उनको ना जाने कितनी बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कितने असंख्य बार 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 उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बार बार कभी बसेस अंदर नहीं ली जाती प्रियंका गांधी द्वारा भेजी हुई, मजदूरों की तो बिल्कुल मदद वहां पर की नहीं गई, ना कोई खाना बांट रहा है, ना कोई मजदूरों की मदद कर रहा है, सिर्फ हवाई बातें चल रही है, हवा में बातें चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह के हालात आप देख रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है। शिक्षक भर्तियों में आपने देख लिया कि किस तरह कोई अनामिका है, फिर वो प्रिया बन जाती है, प्रिया से वो मोनिका बन जाती है, अनामिका, प्रिया, मोनिका, लास्ट में पता चला वो कुछ और ही निकलती है, तो है ना, कोई ठाकुर परिवार की लड़की थी। तो इस तरह से एक ही लड़की जो है वो कम से कम 7 से 8 संस्थान में काम कर रही है, तो हमेशा इस तरह की चीज़ें जो है यूपी में देखने को मिलती है, अराजकता का माहौल देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश जो एक निरुत्तर प्रदेश कहलाया जाता है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, और वो ऐसे ही नहीं कहलाया जाता है क्योंकि आप देख लीजिए फरीदाबाद, नोएडा, एक से एक रेप के, बलात्कार के, अपहरण के, एक से एक केस, हत्या के लगातार खबरें आपको, आप उठा लीजिए, आपको क्राइम के पहले पायदान पे आपको यूपी खड़ा हुआ दिखेगा, तो आखिरी पायदान पे भी आपको यूपी खड़ा हुआ दिखेगा। और ऐसे में जो इस तरह से एक डॉक्टर जो राहत इंदौरी और मुनव्वर राणा के शेर पढ़ रहा था, जो एक अपनी मातृभूमि के शेर पढ़ रहा था, तो मेरे ख्याल से मुनव्वर राणा और राहत इंदौरी ने जो इतने जो देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत जो शेर व शायरी लिखी है, उनको तो जिंदगी भर के लिए एनएसए लगा देना चाहिए था, है ना। मुनव्वर राणा ने इतने अच्छे अच्छे शेर लिखे देशभक्ति मातृभूमि पे,
राहत इंदौरी ने इतने अच्छे शेर लिखे, मुझे शेर व शायरी का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मैंने देखा था कि डॉक्टर कफील जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेर व शायरी पढ़ रहे थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे वो, और ऐसे में उनको उकसाने का, भीड़ को उकसाने का उनके ऊपर मामला लगा दिया गया था और उनको बॉम्बे से STF की टीम जाके उनको गिरफ्तार करती है, जो बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आतंकवादी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में जो है वो कहना, वो जेल से भी उन्होंने काफ़ी बार चिट्ठियां लिखी, उन्होंने बताया कि जेल के हालात बहुत बेकार है, जेल में हाइजीन बिल्कुल नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो कोरोना वॉरियर्स की तरह, पुलिस वालों की तरह और कोरोना के और भी जो वॉरियर्स की तरह उनकी तरह वो काम करना चाहते हैं। मतलब सोचिए, इतना ज़्यादा अत्याचार होने के बाद भी एक जो एक नॉर्मल सा गोरखपुर के BRD हॉस्पिटल का एक सिंपल कार्यकर्ता जिसके ऊपर आपने NSA लगा दी, उसके बाद भी वो बाहर निकल के कोरोना काल में कोरोना वॉरियर बन के अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की सेवा करना चाहता है। तो इस तरह के लोगों पे कम से कम इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए।